स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बिजनेस वाले पे। सो क्लास ट्वेल्थ के आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड ऑलमोस्ट ज़्यादातर टीचर्स अपने फिनिशिंग लाइन में होंगे और अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही होंगी ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई ट्वेल्थ में पास होना है या नहीं होना है, होना तो सबको है, अच्छे मार्क्स से भी पास होना है। सो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे रोज़ के रोज़ वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं एंड होपफुली आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम आंसर देंगे, हर एक बच्चे का हम रिप्लाई करेंगे, बिकॉज सबका भविष्य उज्ज्वल होना चाहिए। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, डिस्कस करते हैं आज का चैप्टर। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट में एक बात बताऊंगा, वीडियो स्टार्ट करते वक्त अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप पूरी वीडियो देखेंगे कि आपको शॉर्ट नंबर्स जो चाहिए, मैं जो भी यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करूँगा डेफिनेटली वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, एंड मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं कि आपको किस टॉपिक में कितने मार्क्स स्कोर करने हैं और कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड हाँ, मैंने बीच बीच में कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं, देखते हैं कौन कौन नोटिस करता है। सो प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, किसी भी सेट में है पर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। सो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर इक्वेरीबिलम प्राइस क्या होती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में या कहीं ना कहीं पे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ इक्वेरीबिलम प्राइस, इक्वेरीबिलम प्राइस किसको कहते हैं, उसको या तो आपको एक्सप्लेन करना होगा या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शंस में ऑप्शंस दिए होंगे। सो द प्राइस विच इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड इक्वेरीबिलम प्राइस। सो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, गौर से सुनिएगा, बस इसमें इतना याद रखना है आपको, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इतना भी लिखेंगे पूरा एक नंबर देगा टीचर, किसी की हिम्मत नहीं आपका नंबर आपसे छीनने का। सो जहाँ पे मार्केट फोर्सेस इक्वल होते हैं किस चीज़ के, डिमांड एंड सप्लाई के, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेरीबिलम प्राइस। सो इक्वेरीबिलम प्राइस इज द प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो भाई एक नंबर तो आपका कन्फर्म हो गया है कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई जहाँ पर इक्वल होते हैं वहाँ हम कहते हैं इक्वेरीबिलम प्राइस। सो एक नंबर आपको मिल गया। नाउ हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अगर 5 या 6 नंबर में पूछा जाता है तो दोस्तों हमेशा डायग्राम और टेबल बना के एक्सप्लेनेशन दें ताकि टीचर को कोई मौका ना मिले आपका एक भी नंबर काटने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस दिया हुआ है मैंने 5, 4, 3, 2, 1 है प्राइजेस है। डिमांड को हमने एक ईजी एग्जांपल लिया ताकि सबको याद रहे, रफ फिगर्स लेंगे वो सारे फिगर्स को याद करने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए एकदम सिंपल फिगर लिया है, ठीक है। प्राइस में आप देखेंगे 5, 4, 3, 2, 1, डिमांड है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सप्लाई है 5, 4, 3, 2, 1, राइट। तो देखिए जब 5 प्राइज़ होती है, डिमांड 1 होती है तो सप्लाई होती है 5। 4 अगर प्राइज़ होगी, डिमांड करने वाले 2 ही लोग खरीदेंगे, सप्लाई देने वाले 4 होंगे। जब 3 प्राइज़ होगी, 3 डिमांड होगी, 3 सप्लाई होगी। जब प्राइज़ घट के 2 रुपये हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी 4, और फोर्थ कॉलम में आप देखिए सप्लाई 2 का शॉर्टफॉल हो जाएगा। फिर अगर प्राइज़ 1 रुपीज़ हो जाएगा तो सब लोग खरीदेंगे, भाई सस्ते में मिल रहा है, 5 डिमांड हो जाएगी और सप्लाई 1। अब देखिए मैंने राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिया आपको एक्सेस सप्लाई, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो जाएगी अगर हम 1 और 2 कॉलम्स को देखें। जहाँ पे 3 को मैंने राउंड किया है वहाँ इक्वेरीबिलम प्राइस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो रही है। आप देखिए डिमांड भी 3 है, सप्लाई भी 3 है, प्राइस 3 रुपये पर अगर कोई आदमी कुछ बेचता है तो 3 ही डिमांड आ रही है, 3 ही सप्लाई है, इट मीन्स इक्वेरीबिलम आ गया। अगर सस्ता कर देता है तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई गिर जाती है। याद रखें जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी वहाँ पे हमारा इक्वेरीबिलम होगा। अभी यहाँ पे हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि मैंने एक डिमांड एंड सप्लाई की लाइन खींची है, वहाँ पे गोला बनाया है मैंने। ये गोला किस चीज़ का है भाई, भूगोल है क्या?
देखिए लिखिए भाई क्या है ये, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये एक वेरिएबलम प्राइस है, डायग्राम में मैंने क्लियरली कट लिखा हुआ है। हाँ दोस्तों, अगर डायग्राम बना के एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करते हैं तो मार्क्स पक्का मिलते हैं, अगर आंसर गलत भी हो तो एक्सप्लेनेशन का कुछ ना कुछ मिलता है। सो देखिए, डायग्राम शोज दैट मार्केट इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई वेयर द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल्स द इक्विलिब्रियम प्राइस इज पी एंड क्वांटिटी इज क्यू ई। देखिए इसमें क्लियरली लिखा है कि जहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो रही है वो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, राइट। और वहाँ पे आप देखेंगे कि एक मैंने गोला इसलिए बनाया हुआ है। अब देखिए वहाँ पे दोनों चीज़ इक्वल हो गया, एंड हमेशा याद रखें इंडिकेशन ज़रूर दें कि एक्सेस सप्लाई कहाँ है, एक्सेस डिमांड कहाँ है, इक्विलिब्रियम कहाँ है। डेफिनेटली 6 नंबर मिलेगा, नहीं मिले तो आके मेरे चैनल पे आके कमेंट जरूर कीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं आया बोर्ड में, गारंटी आएगा, हम हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं। सो वीडियो को बार बार देखें, पूरा लास्ट तक देखें एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके मतलब की चीज़ें हम डालने वाले हैं। बाकी चैनलों की तरह कचरा नहीं उठा के डाल दूंगा मैं, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो ऐसा ना वैसा, जो शॉर्ट शॉर्ट आएगा वही डाला जाएगा। क्यों भाई आप क्या देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब तो करो। चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ला रहा हूँ। थैंक यू।